8 जनवरी 2020 बगदाद के एयरपोर्ट पर अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन ने बारूदी कोहराम मचा दिया। अमेरिका को लगा कि उसने ईरान को सबक सिखा दिया है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे अमेरिका आज भी नहीं भूल पा रहा। बारूदी गोलों से घायल ईरान ने अमेरिका को भी उसी के लहजे में जवाब दे दिया। ये जवाब अमेरिका को गहरे जख्म दे गया, ऐसे जख्म जिन्हें अमेरिका आज भी नहीं भूल पा रहा। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये तस्वीरें ईरान के बुलंद होते हौसले के सबूत हैं। ये तस्वीरें ईरान के अंदर धधकते इंतकाम के सबूत हैं। और ये तस्वीरें अमेरिका को बर्बाद करने की कसम के सबूत हैं जो ईरान ने खाई है। दरअसल अमेरिकी एयरफोर्स ने ईरान के हमले का नया वीडियो जारी किया है। 3 जनवरी 2020 को बगदाद के एयरपोर्ट पर अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन ने बारूदी कोहराम मचाया था। अमेरिकी सुपर पावर का यह हमला ईरान के टॉप कमांडर सुलेमानी को टारगेट करने के लिए किया गया था। अमेरिकी वायुसेना ने उस दिन सुलेमानी को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले के बाद ईरान बौखला गया, उसने अमेरिका से बदला लेने की ठानी। इसके बाद 8 जनवरी 2020 को ईरान ने इराक में अमेरिकी फौज को टारगेट करते हुए एक के बाद एक 4 मिसाइल हमले कर दिए। अमेरिका ने पहली बार इराक के अल असद एयरबेस पर ईरान के हवाई हमले का वीडियो अब जारी किया है। इस हमले में कोई अमेरिकी सैनिक हताहत नहीं हुआ था, लेकिन एयरबेस को नुकसान जरूर पहुंचा था। ये तस्वीरें उसी हमले की हैं। अमेरिका के सैन्य अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन कई सैनिकों को माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज जरूर पहुंची। अभी भी दोनों देशों में तनाव गहराया हुआ है। ईरानी अपने कमांडर का बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। ईरान ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर जनवरी में भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। इस हमले में दर्जन भर से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई। फिर ईरान के सरकारी टीवी चैनल प्रेस टीवी ने यह दावा किया कि इस हमले में 80 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष।